नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये देखिए, हमारी अब मानसून की पहली बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है। तो मैं छत पे आई हूँ और अपने पौधों के साथ आप लोग को इस बारिश में अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई है, हमारे यहाँ लगभग एक घंटे से अभी बारिश हो रही है और अभी हल्की सी कम हुई है। और देखिए पूरे छत पर मेरा कितना पानी लगा हुआ है। और इतनी गर्मी के बाद दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस साल, तो हद से ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इस गर्मी के बाद जो इतनी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे छत पे पूरे पानी पानी हो गया है, इतना तेज़ बारिश हुआ है कि ये पानी जो निकल रहा है, देखिए दो दो यहाँ पर होल है पानी निकलने के लिए, लेकिन फिर भी कितना कम धीरे धीरे निकल रहा है। तो पूरा पानी से ये जैसे एक खिल्ली भर पानी लग गया है पूरे छत पर मेरे, ये देखिए। और मिट्टी मैंने कुछ बना के यहाँ रखे थे, कुछ बना रही थी तो सोचा कि बना के रख लूँ बारिश के पहले। तो चारों तरफ देखिए दोस्तों, पानी ही पानी दिख रहा है, हर जगह मेरे छत पर पानी लगा हुआ है। तो जब बारिश ख़त्म हो जाएगा तो मैं इन देखिए सारे गमलों में जो बारिश का पानी लगा हुआ है, अभी पानी हो ही रही है, बारिश हो ही रही है, तो सारे गमले में पानी पूरा भर गया है। गमले तो क्या दोस्तों, नीचे भी पूरा पानी भरा हुआ है और देखिए चारों तरफ मेरा बारिश का पानी लगा ही है। अभी कब तक होगा पता नहीं है, लेकिन जब ख़त्म हो जाएगा आजकल तो सारे गमलों के पानी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि पूरा पानी से भर गया है और पूरी मिट्टी तो गीली है ही है, साथ में ओवर वाटरिंग भी हो गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को पौधों की अपडेट दिखाती हूँ इस बारिश में। ये सारे मेरे पौधे नहा धोवा के अच्छे से रेडी हो गए हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो फ्लावर है पर्सलेन और कोरचुलका के, तो धूप नहीं निकला था, सुबह से ही धूप नहीं निकली थी, तो देखिए आज फूल भी नहीं खिले हैं। और इधर मेरा टिकोमा का जो प्लांट है पूरा फूलों से लदा हुआ था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी कि सारे फूल बिल्कुल मुरझा से गए हैं, मतलब लटक गए हैं। तो अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मेरे सारे गमले में तो पानी भरे हुए हैं, सारे पौधे नहा लिए हैं। और ये देखिए ये तो सारे फूल सुबह सुबह खिल गए थे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये कितनी कलियाँ बना हुआ है ये प्लांट, और ये पूरा फूलों से कल भर जाएगा, बहुत ज़्यादा कलियाँ आ गई है तो पूरा फूल खिल जाएगा इसमें। और इधर मेरे सारे मेरीगोल्ड के प्लांट है। अब दोस्तों समय आ गया है कि अब सारे प्लांट्स की कटिंग लगाना है, क्योंकि पहली बारिश हो गई हमारे यहाँ और अब शुरू करूँगी मैं सारे कटिंग्स लगाना, चाहे वो विंटर के हो या फिर परमानेंट प्लांट हो या इंडोर प्लांट्स हो, तो सभी की अब कटिंग लगाना बनता है, क्योंकि सब में अब हरियाली छा गई है और कटिंग भी बहुत जल्दी लग जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इधर भी बहुत ज़्यादा पानी लगे हुए हैं और जितने भी हैंगिंग बास्केट हैं वो सब में पूरे प्लांट्स अच्छे से धुल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चमक आ गई है इन सारे प्लांट्स में। ये देखिए दोस्तों, पूरे हरा भरा बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा मेरा छत दिख रहा है, लेकिन नीचे जब देखती हूँ तो पूरा पानी पानी दिख रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर मेरे गुलाब में भी देखिए, जो मैंने ढक के रखा था, बहुत तेज़ धूप निकल रही थी तो सारे गुलाब को मैंने बड़े प्लांट से ढक दिया था, उसमें भी पूरे पानी आ गए हैं, पूरे पानी लग गए हैं। और इधर मेरा रजनीगंधा और रेन लिली में भी अब फ्लावर होने लगेगा, देखिए ये देखिए सब में कलियाँ बन रही है रेन लिली में। और इधर कितना पानी लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। तो अभी इस पानी को जब बारिश छूट जाएगा तो इस पानी को भी मैं निकालूंगी, ये देखिए कितने ज़्यादा जैसे लग रहा है कि बाढ़ आ गया है। और इधर मेरे सारे सब्जियाँ, ये देखिए सब्जियाँ कितने हरे भरे दिख रहे हैं, पूरा प्लांट्स मिट्टी से धूल से भर गया था, तो अब देखिए बारिश के पानी से जब नहा लेते हैं तो पूरा हरियाली छा देता है। कितना भी हम दोस्तों इन लोग को नहलाएं, सावरिंग कराएं, लेकिन जो बारिश का पानी इन लोग को नहलाता है तो उसका अलग ही रूप होता है, ये देखिए। और इधर मेरी सारी सब्जियां भी बहुत अच्छे से चल रही है, ये देखिए। और वो देखिए गुड़हल। तो इस तरह से दोस्तों मेरे छत पर मैं अभी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूं दोस्तों। तेज़ बारिश में अभी आधा घंटा पहले मैं नहीं आ सकती थी, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उसमें आना संभव नहीं था, मोबाइल भी ख़राब हो जाता और साथ में हवा भी बहुत तेज़ थी। तो ये देखिए बारिश के मौसम में ये फूलों का रंग कितना खूबसूरत खिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है बारिश के फर्स्ट बारिश के बाद। और यहाँ पर मेरे सारे जो छत के कचरे हैं वो सारे नाली के पास आ गए हैं, तो इन सबको जब बारिश छूटेगी तो मैं सबको हटाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये बारिश का मौसम कैसा लगा और आप लोग के यहाँ बारिश हुई कि नहीं पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।